जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने साफ रखने के लिए एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले से शहरों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सड़कों और नदी नालों में कूड़ा करकट जमा करने के बजाय अब एसएमसी गाड़ियों के जरिए इस गलाजत को घर घर जमा करेगी और एक ही मुकाम पर ठिकाने लगाएगी। कॉरपोरेशन ने नई गाड़ियां खरीदी है जो घर घर जाकर कूड़ा करकट जमा करेगी। हमें एक स्मार्ट सिटी ने पैसा दिया एसबीएम के तहत, जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान है, तो उसके तहत 27 लाख रुपए आए हैं। तो उनमें से हमने प्रोक्योर किया हूपर्स 150। इन चीज़ों से सहूलियत मिलेगी, लोग अपने घर में वेस्ट रख सकते हैं, जो हूपर्स जाएंगे घर घर से वेस्ट कलेक्ट करेगी। शहरियों ने एसएमसी के इस कदम का खैर मुकदम किया है। ये तो सबसे अच्छी बात है, यहाँ सफाई हो जाएगा, यहाँ पानी भी चलेगा अच्छी तरफ, बदबू नहीं आएगा। गर्मी में तो यहाँ से हमको खिड़की नहीं खुला सकते हैं, इतनी बदबू यहाँ से आते हैं कि पानी पीते थे हम 35-40 साल पहले, इसमें किश्ती भी होते थे, टूरिस्ट लोग यहाँ से चलते थे। अब तो यहाँ से गंद उठ के जिसको भी कचरा निकलता वो दरिया में फेंकते हैं, देखो तो। अलबत्ता बरसों से शहर में दरियाए जहलम और दीगर नदी नालों में जमा कूड़ा करकट हटाने की ज़रूरत है ताकि पानी के वसाइल आलूदगी के ज़राया न बने और शहर की रौनक भी बहाल हो। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से मीर फरद की रिपोर्ट।